एवरीवन, लास्ट लेक्चर तक बेटा हम पढ़ चुके थे अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, जहां पर हमारा मेन फोकस रहा ऑन एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग की हमने पढ़ी दो टेक्निक्स, इन ब्रीडिंग दैट मींस इन द ब्रीड इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, एंड आउट ब्रीडिंग जहां पर सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड्स या डिफरेंट स्पीशीज का यूज करके ब्रीडिंग कराई जाती है। वेल, जहां तक बात आती है इंप्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड की, इंप्रूवमेंट ऑफ द जीनोटाइप ऑफ एनिमल की, तो उसमें कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए सो एज टू इंप्रूव द ब्रीड, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। राइट, सो व्हाट आर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स? दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स फॉर ब्रीड इंप्रूवमेंट। बेटा इसके अंदर दो टेक्निक्स या दो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट वन इज AI, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट, एंड द अदर एक्सपेरिमेंट इज मोएट, MOET, मोएट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी जहां पर एक से ज्यादा ओवम का ओव्यूलेशन कराया जाए, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स एम्ब्रियो ट्रांसफर, और उस ओव्यूलेशन के ओव्यूलेशन के जो रिजल्टेंट एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज होने के बाद में उनका एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा दिया जाए। Is that clear? So that is about the controlled breeding experiments. So one by one दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं कि क्या किया जा रहा है, किस तरीके से ब्रीडिंग में ये दोनों टेक्निक्स हेल्पफुल हैं। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज AI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। राइट, सो द फर्स्ट वन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी जहां पर नकली इंसेमिनेशन कराया जा रहा है, यानी फीमेल के ट्रैक्ट में किसी मैनुअल या आर्टिफिशियल तरीके से सीमन को पहुंचाया जा रहा है, ह्यूमन मैनुअल एफर्ट की मदद से सीमन को पहुंचाया गया फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर। सो व्हाट इज इट? यहां पर क्या किया जाता है बेटा? सीमन कलेक्टेड फ्रॉम मेल इज ट्रांसफर्ड आर्टिफिशियली into female reproductive tract। यानी यहां पर normal coitus नहीं कराया जाएगा, right? So artificial insemination की जरूरत क्या है जब normal insemination भी किया जा सकता है? There are certain advantages of it. क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली चीज, जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो सेलेक्टेड मेल है वो अवेलेबल हो। अगर उससे एक बार में सीमन कलेक्ट कर लिया गया तो वो सीमन फ्रीज करके रखा जा सकता है और लेटर स्टेजेस पर भी यूज किया जा सकता है, राइट, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मेल एंड नॉर्मल कोइटस। हर बार आपको नॉर्मल कोइटस के लिए मेल को फीमेल की प्रॉक्सिमिटी में लाना ही पड़ेगा, तो यहां पर दैट इज अ बेनिफिट। सो फर्स्ट वन, सबसे पहला एडवांटेज क्या है?
मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज सीमन वंस कलेक्टेड कैन बी यूज्ड और इट कैन इवन बी फ्रोजन फॉर लेटर यूसेज। तो पहला फायदा समझ में आ गया। ऐसे ही बेटा जब भी नॉर्मल क्वाइटस कराया जाएगा तो फीमेल भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो फीमेल है कन्याकुमारी में और जो डिजायर्ड मेल एनिमल है वो मान लो श्रीनगर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कन्याकुमारी से उस गाय भैंस को या उस फीमेल को, कोई भी फीमेल एनिमल हो सकता है, उसे आप या तो श्रीनगर लाओ या श्रीनगर से मेल को कन्याकुमारी तक लाओ। सो इनसे बचने का तरीका क्या है, AI, क्योंकि सीमन तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, राइट? सो सीमन कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट फीमेल टू, राइट बेटा? थर्ड थिंग, जहां तक बात आती है नॉर्मल कोइटस की, तो उस कोइटस में बहुत सारे स्पर्म्स का लॉस भी होता है क्योंकि दो स्पर्म्स हैव टू ट्रेवल बाय देमसेल्फ टू द एग। पर जब एआई की बात है तो यहां पर सीधा ट्रैक में छोड़ा गया और क्लोजेस्ट टू द एग छोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स है उनका एफर्ट भी कम हो गया और जो स्पर्म्स का होने वाला लॉस है वो भी काउंटर हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी डिजायर्ड मेल जो है, अगर सपोज उसके पास स्पर्म काउंट कम है या आप चाहते हो कि जो थोड़ा सा सीमन है उस सीमन को आप मल्टीपल जगह पर यूज कर सके, तो थोड़े स्पर्म्स में भी वही काम हो सकता है जो कि नेचुरल कोइटस में ज्यादा स्पर्म्स से होता, राइट? सो AI requires less number of sperms for fertilization in comparison to नॉर्मल कोइटस। राइट, इज दैट क्लियर? इसके अलावा कई बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। मान लो हमें पता है कि किसी बुल को कोई प्रॉब्लम है या किसी मेल एनिमल को कोई प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके सीमन को पहले ही ट्रीट कर लें और उसके बाद उसे फीमेल ट्रैक में पहुंचाया जाए ताकि आने वाली प्रोजेनी को डिजीज से बचाया जा सके, राइट? So certain diseases can also be controlled, यानी overall natural mating में आने वाली जो problems हैं ये उनसे बचाता है, उनको overcome करने में मदद करता है। Therefore कह सकते हैं कि AI helps in overcoming problems of natural mating. Is that clear? सो एडवांटेजेस क्या है, सीमन को एक बार कलेक्ट किया तो इट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और इट कैन इवन बी फ्रोजन फॉर लेटर यूजेज। सीमन को ट्रांसपोर्ट करके भी, अगर कोई फीमेल है जो कि बहुत डिस्टेंस प्लेस पर हाउस्ड है तो वहां तक भी ले जा सकते हैं। AI से कम स्पर्म से भी काम चल जाएगा,
अगर कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट है सीमन में तो उसे रिमूव कर सकते हैं, यानी ओवरऑल जो नेचुरल कोइटस में प्रॉब्लम आने वाली थी उन सबको ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग एआई, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द टेक्निक्स. द नेक्स्ट टेक्निक हियर इज, जस्ट अ मिनट, देख लें. हम लोगों ने पहली कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की पहली टेक्निक पढ़ ली है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन. बेटा जो दूसरी है, जब एआई ही इतनी सक्सेसफुल थी तो इसके अलावा दूसरे की जरूरत क्या थी? सो एआई के अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेशली हेल्पफुल है उन केसेस में जहां पर मैच्योर मेल एंड मैच्योर फीमेल्स हैं, जहां पर एआई से भी फायदा नहीं हो पाता, या ऐसी कंडीशंस जहां पर एक बार में हमें झुंड के झुंड तैयार करने हैं. मान लो मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स हो ताकि मीट ज्यादा से ज्यादा मिल सके, राइट? सो ऐसी कंडीशन में जहां पर हर्ड या झुंड को तैयार करना हो वहां पर काम आता है द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मोइट एंड व्हाट इज मोइट मोइट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. राइट, सो मोएट में क्या किया जाता है बेटा? मोएट में एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाएगा जिससे कि सुपर ओव्यूलेशन या मल्टीपल ओव्यूलेशन कराई जाएगी, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा और उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया जाएगा टू अदर फीमेल्स, राइट? सो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप पर फीमेल को एडमिनिस्टर किया जाएगा या फीमेल को दिया जाएगा, फीमेल इज एडमिनिस्टर्ड विद FSH like hormone. FSH का काम होता है बेटा follicles को stimulate करना, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा. So यहां पर super ovulation is induced. What is super ovulation? जहां पर instead of one egg, 6 to 8 eggs are produced in a cycle. Right, beta? इसके बाद कराया जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों में से कोई भी टेक्निक ले सकते हो. आप एआई भी यूज कर सकते हैं एंड अगर चाहें तो नेचुरल कोइटस भी कराया जा सकता है. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, फर्टिलाइजेशन बाय ईदर AI or natural coitus with desired or superior male. यानी आप या तो desired male से सीमन कलेक्ट कर लिया जाएगा या डिजायर्ड मेल के साथ में इस डिजायर्ड फीमेल का नॉर्मल कोइटस करा दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा बेटा, एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगेंगे. अब एम्ब्रियोज को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, राइट? सो एम्ब्रियो और इनफैक्ट एम्ब्रियोज एट 8 to 32 सेल स्टेज आर एक्सट्रैक्टेड, बट सर्जरी नहीं की जाएगी, विजाइनल पाथवे से नॉन सर्जिकली एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे,
याद रखना है, नॉन सर्जिकली। और अब इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करा देंगे। सो एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स। तो सरोगेसी का फायदा क्या है बेटा? पहली चीज तो जो जेनेटिक मदर है, जो सुपीरियर क्वालिटी की मदर है जिससे हमें एग्स लेने हैं, वो दोबारा से अवेलेबल हो गई और उसकी बॉडी पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर जो सरोगेट मदर है वो एज अ फैक्ट्री काम करेंगी, जहां पर बाहर से डिजायर्ड प्रोडक्ट को पहुंचा दिया गया कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो डिजायर्ड सब्सट्रेट पहुंचा दिया गया एंड जो प्रोडक्ट है वो वहां बन के तैयार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? या तो समझ में आ रही है? जेनेटिक मदर That was the desired one. The desired female is now available again for another round of सुपर ओव्यूलेशन। सो तेजी से होगा ये काम, जो कि अगर यही फीमेल अगर रिप्रोड्यूस करती सो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो दैट वाज अबाउट द टेक्निक कॉल्ड मोएट। सो मोएट के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज, हर्ड इंप्रूवमेंट। एक बार में पूरा का पूरा झुंड तैयार कर सकते हैं इंप्रूवाइज ब्रीड का, राइट? हर्ड इंप्रूवमेंट, पूरा झुंड के, या सिंगल इंडिविजुअल की ब्रीड तैयार नहीं होगी, यहां पर कंप्लीट झुंड तैयार होंगे। सो हर्ड इंप्रूवमेंट का सहारा लिया गया बहुत सारे एनिमल्स के लिए। सो जहां तक बात हर्ड इंप्रूवमेंट की, तो बहुत सारे एनिमल्स का हर्ड इंप्रूवमेंट किया गया है इसी टेक्निक से। सो इसको लिख भी लेते हैं अबाउट हर्ड इंप्रूवमेंट। सॉरी, इट हैज बीन यूज्ड फॉर क्विक हर्ड इंप्रूवमेंट ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग females and lean meat, that means इसके पास fat कम हो, producing male animals. specially ऐसा किसमें किया गया बेटा? specially it was done in case of cows. राइट? सो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि इससे झुंड का झुंड तैयार किया जा सकता है। दूसरी चीज बेटा बहुत यूजफुल है, मैंने बताया था जैसा कि जो मेच्योर हो चुके एनिमल्स हैं उनके बीच में एआई से भी मेटिंग में कई बार फायदा नहीं मिलता। सो इट्स ऑफ ग्रेट यूज इन केस ऑफ mature animals where mating
इवन बाय एआई इज नॉट सक्सेसफुल। अब आप पूछोगे कि मैम अगर एआई से भी सक्सेस नहीं मिल रही थी तो मोएट में ऐसा क्या हो गया? बेटा मोएट में एक बार में ज्यादा एग्स बने, तो एआई जब कराया जाएगा तो सिंगल एग को यहां पर फर्टिलाइज नहीं करना, उसे ज्यादा एग्स को फर्टिलाइज किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक ना एक एग तो फर्टिलाइज हो ही जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सच एनिमल्स, राइट? सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज बेटा, ये किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए नहीं है, मेनी एनिमल्स हैव बीन यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत सारे एनिमल्स के इंप्रूवमेंट के लिए इसी एक्सपेरिमेंट को यूज किया जा सकता है। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन वेरियस एनिमल्स लाइक काउस। ये सबसे पहले एनिमल थे जिन पर इसको अप्लाई किया गया, बफेलोज, रैबिट्स, शीप एंड मेयर, दैट मीन्स फीमेल हॉर्स, राइट? सो इट्स अ वेरी गुड मेथड, वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, जिससे कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा झुंड तैयार कर सकते हो जो कि इम्प्रोवाइज्ड ब्रीड का होगा। सो दीज वर द टू एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट वन वॉज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अदर वन वॉज मोएट। इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके एंश्योर किया जा सकता है कि जो आने वाली ब्रीड है वो बेहतर होगी अपनी प्रीवियस जनरेशन से, यानी ये है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनिमल ब्रीड ओवरऑल, right? So that was all about controlled breeding experiments. Please note it down till this part. So अभी तक हम पढ़ चुके हैं about the experiments जो कि animal breeding में मदद करते हैं. Well, जो animals जिनकी breeding कराई गई, जिनके heating, जिनके feeding पर इतना ध्यान दिया गया, यानी overall animal husbandry के अंदर वो कौन कौन से animals हैं जिन्हें domesticate किया जाता है? Well, there are many animals. There are cows, there are buffaloes, there are poultry animals, fishes, etc., etc. तो हर एक का जो ब्रीडिंग है, हर एक को की जो रेयरिंग का मेथड है, उन्हें उनका जो पालन पोषण है, उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो एनिमल हस्बेंड्री का टाइप है जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। वेल, व्हाट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट? डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब हुआ जहां पर एनिमल्स को पाला जाता है फॉर बेसिकली फॉर मिल्क, राइट? सो हियर animals are reared or domesticated specially for milk. कौन कौन से animals हैं बेटा? एनिमल्स तो बहुत सारे हैं जिनको मिल्क के लिए रेयरिंग की जाती है, जिसमें बकरियां, भेड़े भी आते हैं, बट मेनली जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए गए फॉर दिस पर्पज, दोज आर काउज एंड बफेलो। बेटा गाय का जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज बॉस इंडिकस, जो कि इंडियन काउ है। वहीं पर यूरोपियन एंड अमेरिकन काउ इज ऑल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड बॉस टॉरस, राइट? इंडिया से बाहर इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे हम जेबू कैटल या ब्राह्मण कैटल भी कहते हैं, क्योंकि काफी जगहों पर इसकी पूजा की जाती है। सो अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट ब्राह्मण कैटल बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड विद इट, स्पेशली इंडियंस के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनकी वजह से। वहीं पर बात की जाए बुफेलो की,
तो भैंसों को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है दैट इज बोबालुस बोबालिस, राइट बेटा। जहां तक बात आती है डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि सही तरीके से इनको रखा जाए। मैं चीजों को लिख ही लेती हूँ, वैसे तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी टॉट वर्बली, बट बेटर राइट इट सो एज टू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। यहां पर किस किस चीज का मैनेजमेंट किया जाएगा? सो व्हाट आर ऑल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड हियर? सबसे पहला यहां मैनेज किया जाता है शेल्टर, राइट? दे नीड प्रॉपर शेल्टर। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। अब हाइजीन कहाँ कहाँ चाहिए? जब दूध निकाला जाए तब। सो व्हाइल मिल्किंग द काउज और द बफेलोज, इनके शेल्टर में भी हाइजीन का ध्यान रखना होता है, वरना ये बीमार पड़ सकती हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क में भी, राइट? सो दीज आर सर्टेन मैनेजमेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट का पार्ट है बेटा। जब ये जो डेयरी फार्मिंग की जाती है, तो इसमें मैंने बताया कि दो टाइप के एनिमल्स यूज किए गए स्पेशली। वैसे तो बकरियां और भेड़े भी पाली जाती हैं, पर जो मेन है देर आर काउ एंड बुफेलो। इनकी जो ब्रीड्स होती हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। वैसे उस उन तीन टाइप्स को पढ़ने से पहले पढ़ लें कि इनके जो एनिम जो इनकी फैमिली होती है वो कैसी होती है, राइट? जो डेयरी एनिमल्स हैं, डेयरी फार्मिंग एनिमल्स जो हैं, इनकी फैमिली को स्पेशली इनके मेल और फीमेल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जो इनकी फीमेल्स हैं उनको स्पेशल कोई नाम नहीं दिया जाता, पर जो मेल है दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो जो कि खेतों पर काम आते हैं, जो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, जिन्हें कैस्टोरेट कर दिया जाता है। सो दीज आर कैस्टोरेटेड, यानी जो कि स्टेराइल होंगे। इन केस स्पेशली इन केस ऑफ काउ इन्हें नाम दिया जाता है ऑक्स या बुलक्स। ऑक्स या बुलक जो है दे आर डोमेस्टिकेटेड और इन्हें खेतों पर यूज में लाया जाता है। वहीं पर जो नॉन कैस्टरेटेड या फर्टाइल मेल जो है बेटा, फर्टाइल मेल के पास भरपूर मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन है और ऐसे मेल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन्हें कहा जाता है बुल और इन्हीं को मेटिंग में यूज में लाया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में गाय भैंसों का यूज किया गया, हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना है हर जगह पर, उन्हें सही टाइप का फीड भी देना है। शायद ये चीज मैं लिखना भूल गई हूं ऊपर। सो लेट्स राइट इट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट का तीसरा पार्ट जो है दैट इज
दो ही चीजों में थोड़ा ध्यान दोगे आप। तीसरी चीज है उनको प्रॉपर फीड देना, और आखिरी ब्रीडिंग पर ध्यान देना। यहां पर जो मेल है देर कैन बी ईदर कैस्टोरेटेड और कैन बी फर्टाइल, राइट। तो इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो डेयरी फार्मिंग में जो एनिमल्स यूज में आ रहे हैं, स्पेशली गाय भैंसों की ही मैं बात कर रही हूं यहां पर, तो उनकी तीन टाइप की ब्रीड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। सो व्हाट आर दोज टाइप्स ऑफ ब्रीड्स? ये ब्रीड्स हैं बेटा ड्रॉट, मिल्च, एंड मल्टी यूटिलिटी ब्रीड। क्या होती है ये ब्रीड्स? ड्रॉट ब्रीड्स वो होती हैं जिनका मेल अच्छा होता है, यानी इनका मेल बहुत ही स्ट्रांग होगा, फीमेल भले ही दूध कम दे, तो ये खेतों पर काम में लाने के लिए अच्छे मेल तैयार कर देती है, राइट। सो हियर मैं गाय के ही रिस्पेक्ट में बात कर लेती हूँ। सो यहां पर नहीं, चलो नॉर्मल के लिए बात कर लेते हैं। सो मेल इज स्ट्रोंगर, देयरफोर कैन वर्क एफिशिएंटली इन फील्ड्स, बट फीमेल प्रोड्यूसेस लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट। वहीं पर मिल्च वैरायटी कौन सी होती है बेटा? जो फीमेल्स हैं वो हैं हाई मिल्क प्रोड्यूसर्स, बट मेल आर वीक। वहीं पर मल्टी यूटिलिटी, बहुत अच्छी वैरायटीज होती हैं जहां पर फीमेल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क एंड मेल आर स्ट्रॉन्ग, सो गुड ऑफ बोथ। सो दैट वॉज अबाउट दी डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जहां पर तीन तरीके की ब्रीड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। दो, बहुत जरूरी है कि डेयरी फार्मिंग के टाइम पर इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि हाइजीन के साथ साथ इस बात को भी ध्यान दें कि डिजीज रेजिस्टेंट टाइप की वेराइटीज को ही वो ब्रीड करें, ताकि बीमारियों के चांसेस सबसे कम हो, क्योंकि इनमें भी काफी सारी बीमारियां देखी जाती हैं, इज राइट। इसके अलावा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को भी डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, डेयरी फार्मिंग में यूज किए गए एनिमल्स पर अप्लाई किया जाता है, स्पेशली मोएट को, ताकि एक बार में हर्ड तैयार हो जाए, राइट। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रीडिंग, दैट वाज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। वी विल बी मूविंग अहेड, आगे पढ़ लेते हैं पोल्ट्री।